रिलेशनल फंक्शन जो है पिछले क्लास में किए थे सेट थ्योरी। रिलेशनल फंक्शन में पहला क्वेश्चन 2.1 का देखिएगा, x बटे 3 प्लस 1 या देखिएगा y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5 बटे 3 और 1 बटे 3 है। इसमें से एक चीज समझना है कि रिलेशन जब भी होता है तो इसको a रिलेशन b पर लिखेगा, a रिलेशन b है तो a और b का जो रिलेशन होता है, यहाँ पे एक चीज समझना है, ये फर्स्ट है ना, ये इसका रिलेशन कहाँ बनेगा, फर्स्ट के साथ बनेगा। पहला का रिलेशन फर्स्ट के साथ और दूसरा का रिलेशन दूसरे के साथ बनेगा, है ना। तो पहला का रिलेशन फर्स्ट के साथ बनाइएगा तो x बटे 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बटे 3 हो जाएगा। फिर से समझिएगा कि पहला का जो रिलेशन बनेगा वो फर्स्ट के साथ बनेगा तो x बटे 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 5 बटे 3 हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा x बटे 3 इक्वल टू 5 बटे 3 प्लस में उधर गया तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x बटे 3 इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, x बटे 3 इक्वल टू कितना हो गया, 2 अपॉन 3, 3 3 लेफ्ट कर गया, x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया आपका आंसर। सेम उसी तरह से निकाल सकते हैं सेकेंड वाला का सेकेंड के साथ, सेकेंड का सेकेंड के साथ। सेकेंड में क्या है, y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 बाई 3, y इक्वल टू 1 बटे 3 प्लस 2 अपॉन 3, माइनस में हो गया तो प्लस में हो गया, y इक्वल टू इसका एलसीएम 3 हो गया, 1 प्लस 2 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया, 3 अपॉन 3 कट के क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशन बताना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ए में जो है 3 एलिमेंट्स हैं और बी में याद रखिएगा 3, 4, 5 है ना, बी में क्या है 3, 4, 5 है, तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक ना, ए रिलेशन बी याद रखना है, ए रिलेशन बी जहां भी बोले, ठीक ना। रिलेशन ए में कितना एलिमेंट्स है, 3 है, ए में 3 तत्व, ऐसे समझिए ए में जो है ना 3 आदमी है, ऐसे समझिए, और बी में कितना आदमी है, 3 आदमी है। ए रिलेशन बी बताना है, ए में 3 और बी में भी कितना आदमी है, देखिए तो 1, 2, 3 आदमी, तो 3 कितना आदमी हो गया, 9 आदमी हो गया, है ना। यानी आपके पास ए रिलेशन बी का आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि जी इजकल टू 7, 8, एच इजकल टू 5, 4, 2, तो कह रहा है फाइंड जी रिलेशन एच और एच रिलेशन जी। अब समझिएगा, निकालना है जी रिलेशन एच और एच रिलेशन जी, तो यहाँ पे समझिएगा जी इजकल टू क्या दिया हुआ है, 7, 8 दिया हुआ है, एच इजकल टू क्या दिया हुआ है, 5, 4, 2 दिया हुआ है ना। जी रिलेशन एच निकालना है, देखिए बहुत आसान है रिलेशन निकालना, जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7, 8 दिया हुआ है, रिलेशन एच का 5, 4, 2 दिया हुआ है। एक बार समझिएगा, फर्स्ट क्या बोले, पहला क्या है 7 है ना, इससे सब के साथ रिलेशन बनाइए, है ना, 7 का जो है ना सब के साथ, इधर जो जितना भी पार्टी है एच का उसके साथ रिलेशन बनाइए तो क्या हो जाएगा, 7, 5, फिर 7 से रिलेशन बनाएगा किस में, अभी तो 5 के साथ, फिर किसका, 4 के साथ हो गया, फिर किसके साथ हो गया, 7 का 2 के साथ। क्लियर हो गया, फिर अब 8 है आपका, 8 से भी इधर तीनों में बनेगा, 8, 5, 8, 4 और 8, 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, जी रिलेशन एच हो गया। एच रिलेशन जी कह रहा है, एच रिलेशन जी भी कह रहा है इसमें, एच रिलेशन जी देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एच को लिखिए, एच का वैल्यू क्या है, 5, 4, 2 और रिलेशन जी का वैल्यू 7 और 8, जी का वैल्यू 7 और 8, तो 5 से पहले टोटल में रिलेशन बनाइए तो 5, 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 5, 8, 5 के साथ 7 का, 5 के साथ 8 का, फिर 4 से बनाइए, 4, 7, 4, 8 बहुत इजी है, फिर 2, 7 और 2, 8 क्लियर हो गया, ये आपका रिलेशन बन गया। तीन नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ट्रू और फॉल्स है। एक चीज में समझिएगा कि P इक्वल टू दिया हुआ है MM और Q इक्वल टू दिया हुआ है NM, तो कह रहा है कि क्या P रिलेशन Q जो निकलेगा मेरा MM निकलेगा और NM निकलेगा, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है, सत्य और असत्य है, तो ध्यान से मैंने देखना है, पहले हम लोग को P रिलेशन Q निकाल लेते हैं, P का वैल्यू क्या दिया हुआ है MM, रिलेशन Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है NM, अब रिलेशन निकालिए, क्या बोले थे कि m से पहले दोनों का रिलेशन, तो m n हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा m m हो जाएगा,
एन से रिलेशन करेंगे तो एन एन हो जाएगा, एन एम हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो आंसर दिया हुआ है वो सही है क्या? आंसर है सही नहीं ना। यहाँ देखिए मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्या ये सत्य है कि पी रिलेशन क्यों निकलेगा एम एन और एन एम, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या निकला है एम एन और एम एम, एन एन और एन एम, तो गलत है ना ये, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ए इक्वल टू दिया हुआ आपके पास माइनस वन वन, कह रहा है ए रिलेशन ए रिलेशन ए ज्ञात करें, ध्यान समझना है ए रिलेशन ए ज्ञात करना है, तीन बार रिलेशन बनाना है। तो अब देखिएगा सबसे पहले ए मेरे पास क्या दिया हुआ है माइनस वन वन दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम लोग को ए रिलेशन ए निकालना है। ए रिलेशन ए के लिए जो है क्या हो जाएगा माइनस वन वन रिलेशन माइनस वन वन, तो सबसे पहले देखिएगा इसका रिलेशन बनाइए आप, तो क्या हो जाएगा माइनस वन से माइनस वन है ना, एक बार माइनस वन से इसमें भी है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस वन वन, फिर वन से जो है दोनों में तो वन माइनस वन वन वन, क्लियर है। अब ये तो निकल गया ए रिलेशन ए, इसका फिर निकालना है तीन है देख लीजिएगा, तो फिर ए रिलेशन ए रिलेशन ए, अभी दो को निकला तो दो का मान पुट कर दीजिए पहले, ए का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है माइनस वन वन, और एक चीज बताइएगा ए रिलेशन ए का मान ये है, ए का मान मत रखिएगा, ए रिलेशन ए का मान क्या निकला हुआ है मेरे पास माइनस वन माइनस वन है ना, उसके बाद माइनस वन 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 माइनस वन और वन वन, क्लियर हो गया। अब देखिएगा अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्या है माइनस वन है, माइनस वन से सब में रिलेशन करेंगे, क्या रखिएगा माइनस वन से जो है सब में रिलेशन होगा, तो एक चीज समझिएगा यदि जो माइनस वन को आप आगे में रख रहे हो तो सब में आगे में रखना है, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं घुसाना है ना, ये तो माइनस वन है ना, इसको आपको जगह देना है कि कहाँ पे आप जगह दे रहे हो इस लाइन में है ना, यदि जो फर्स्ट लाइन में दे रहे हो तो सब में फर्स्ट में ही रहेगा, सेकंड में दे रहे हो तो सब में सेकंड में, थर्ड में दे रहे हो तो सब में, यानी फर्स्ट में रखना है सबको, तो माइनस वन यहाँ रखते हैं फर्स्ट में, और ये जो है उतार दीजिए इसको माइनस वन पहला रिलेशन हो गया, फिर माइनस वन को इसको फर्स्ट में रख रहे हैं, फिर इसके घर में क्या है माइनस वन और वन है, माइनस वन को पहला घर में रखे हैं ये तो वन और माइनस वन है, माइनस वन 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 हो गया है ना, माइनस वन से हो गया, फिर लास्ट में क्या है एक है, तो एक से सब मल्टीप्लाई कीजिए, एक को आगे में रखिए बाकी बात जो है इस घर में उसको उतार दीजिए है ना, फिर एक माइनस एक 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 माइनस यानी एक एक माइनस एक, और इधर हो जाएगा एक 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 हो जाएगा, क्लियर। और याद रखिएगा जो ए रिलेशन ए निकालना हो संबंध बताना हो इसका फॉर्मूला टू पावर एन होती है, बता दिया टू पावर एन होती है, वो बन जाएगा कि हाँ इतना रिलेशन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, ए रिलेशन बी दिया हुआ है, इस बार थोड़ा उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, ए रिलेशन बी दिया हुआ है मेरे पास, ए रिलेशन बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई, कह रहा है कि ए और बी का मान बताना है, फाइंड ए और बी का मान बताना है, इसमें सबसे पहले देखिएगा ए और बी बताना है ना, ए देखिएगा आपका फर्स्ट में क्या है ए है, एकदम अच्छा समझिएगा पहले क्या है ए है, तो इसका पहला जो होगा ना वो ही ए कहलाएगा, याद रखिएगा फिर से एक बार समझिएगा, यदि यहाँ पे पहले बी रहता तो पहले जो है पहला क्या हो जाता बी हो जाता, पहले ए है इसलिए पहला क्या हो गया ए हो गया, ए का वैल्यू देखिए पहले के है ए है, ये तो लिख ही दिया चलिए, फिर क्या है बी लिख दिए, अब बी का वैल्यू पूछ रहा है बी का वैल्यू देखिए पीछे में, तो पीछे वाला बी का वैल्यू होगा एक्स और क्या हो गया y, चलिए तो a का मान निकल गया और b का मान निकल गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 b इज इक्वल टू 1 2 3 4 c इज इक्वल टू 5 6 d इज इक्वल टू 5 6 7 8, कह रहा है कि वेरीफाई यानी सत्यापित करना है हमको ए रिलेशन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए रिलेशन बी इंटरसेक्शन ए रिलेशन सी, अच्छे से इसको समझिएगा, क्वेश्चन देखिएगा सबसे पहले एलएचएस यहां पे हम लोग नोट कर रहे हैं, एलएचएस क्या कह रहा है ए रिलेशन बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट में आपका देखिए क्या है बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, B का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है 1 2 3 4,
इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5c, सेट थ्योरी में पढ़ा है, यूनियन इंटरसेक्शन है ना, सेट थ्योरी का है। तो इंटरसेक्शन क्या बोले थे कि जो दोनों में मिले, एक चीज देखिए इस दोनों में कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो घन खाली रहेगा, डिफाई कर देंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ए रिलेशन फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फाइव, है ना, क्या हो जाएगा फाइव। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, ए रिलेशन बी सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, ए रिलेशन बी निकालना है, ए का वैल्यू 1 2, बी का वैल्यू 1 2 3 4, रिलेशन दोनों का बताना है। तो एक से सबसे पहले गुना कर दीजिए टोटल में, तो एक एक हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 और 2 4, क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे फिर ब्रैकेट में है ए रिलेशन सी, ए का आप सी के साथ रिलेशन बताइए, 1 2 रिलेशन सी 5 6, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 5 1 6, एक से दोनों करेंगे गुना, है ना, गुना नहीं करना, रिलेशन बताना, 2 5 2 6। अब बताइएगा कि ए रिलेशन बी इंटरसेक्शन बोल रहा है ए रिलेशन सी, तो एक चीज बताइएगा, ए रिलेशन बी यहाँ पे है ना और ए रिलेशन सी यहाँ पे है, दोनों में देखिए तो कोई मिल रहा है क्या, दोनों में कहीं कोई मिल रहा है क्या, दोनों में कोई कॉमन है नहीं है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दोनों में जो है कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हमें क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। देखिए दोनों प्रूफ हुआ, ए रिलेशन बी इक्वल टू यानी LHS इक्वल टू RHS, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, ए इक्वल टू दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2, बी इक्वल टू दिया हुआ है 3 4, कह रहा है कि ए रिलेशन बी बताना है, ठीक है ना, कितना है ए रिलेशन बी समझिएगा, ए में कितने एलिमेंट्स, ए में कितने एलिमेंट्स है, देखिए तो ए में 2 है ना, ए में कितना है 2 है, ए में 2 और बी में 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, रिलेशन कितना हो जाएगा, वो इसमें 2 इसमें 2 कितना हो गया 2 2 4, और निकालना भी है रिलेशन बी, ध्यान समझिएगा, एक से पहले इसमें कर लीजिए, एक से 1 3 और 1 4 हो गया, 2 3 2 4, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसके बाद 2.2 देखिएगा, 2.1 का जितना भी क्वेश्चन था ये पूरा फाइनली हो गया, 2.2 में देखिएगा अच्छे से, 2.2 का थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, इसमें और क्वेश्चन है क्या, अच्छा तो वो तो बता ही दिए, वे नंबर ऑफ उसका कह रहा है कि क्या रिलेशन इतना है, वो ऐसे ही देख लीजिए, देखिएगा एक्सरसाइज 2.2 में, इसमें सबसे पहला जो नाम आता है प्रांत आता है, परिसर आता है ना, और सह प्रांत आता है। अच्छा से इस टॉपिक को पहले समझिएगा, फिर क्वेश्चन एक बदल से बना देंगे, इस टॉपिक को देखिएगा ध्यान से, प्रांत परिसर और सह प्रांत, प्रांत परिसर और सह प्रांत, ठीक है ना, अच्छे से समझना है इसको, परिसर और सह प्रांत, है ना, ये प्रांत ध्यान से भेजेगा, ये मान लीजिए ए हो गया बी हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, इसमें मान लो कि 2 4 6 8 और 10 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, 2 का रिलेशन बन रहा है, मान लो 4 का 3 का 6 के साथ, 4 का 8 का 5 का 10 के साथ, ऐसे बनाइए, है ना। यदि हमसे प्रांत पूछेगा ध्यान समझिएगा, है ना, क्या पूछेगा प्रांत, तो ए के साथ जितना भी आपका जो रिलेशन बना है, ठीक है ना, जो जो कनेक्ट हुआ है वो आपका प्रांत हो जाएगा, क्लियर। बी के देखिएगा प्रांत में क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन ए में कनेक्ट हुआ है, 2 3 4 5, ये बेचारा 1 और 6 को नहीं मिला, छोड़ दीजिए, है ना। सह प्रांत देखिएगा, सह प्रांत में देखिएगा ध्यान से, यानी परिसर में, प्रांत हो गया परिसर में समझिएगा, बी में जितना भी कनेक्ट हुआ है वो परिसर कहलाएगा, तो क्या क्या हो गया 4 6 8 10 हो गया, वो और सह प्रांत यदि पूछेगा तो बी वाला टोटल लिख दीजिए, वो आपका सह प्रांत हो जाएगा 2 4 6 8 10 आंसर, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है 2.2 का, ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन 2.2 का, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज इक्वल टू दिया हुआ आपके पास, अच्छे समझिएगा 2.2 का पहला क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो दैट 14 तक, और इसमें ए इज इक्वल टू जो है ना
आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर याद क्या रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई इज टू थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, बहुत आसान है जहां इतना। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे आपके पास रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई का, देखिए क्या दिया हुआ है, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, जीरो, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। अच्छे से इसको समझिएगा, तो एक चीज समझिएगा कि इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स बराबर वाई या हाँ वाई या वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स। अब एक चीज समझिएगा, आपके पास यहाँ पे समझ जाओ एक्स है ये वाई है, इसमें आपके पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, है ना, चौदह तक आपके पास नंबर है, ठीक। अब और समझिएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, क्लियर कर दिए। अब x और y का संबंध बताना है, रिलेशन दिखेगा कि यदि हम यहाँ पे x के ऊपर एक मान रख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, तो y ऑटोमेटिक क्या हो गया, तीन हो गया। x हम अपने मन से रख रहे हैं, एक से चौदह तक आपके पास दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले एक से स्टार्ट किए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू एक है, तो एक किसके साथ जाएगा y में, यहाँ पर रिलेशन बता दिया है कि x का मान जो एक रखे हैं, देखिए तो तीन गुना एक तीन हो गया, तो y का मान क्या हो गया, तीन हो गया, y का मान क्या हो गया, x का मान एक रखे तो y का मान क्या निकला, तीन निकल गया, क्लियर हो गया। या आप इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हो एक और तीन। चलिए x का मान दो रखते हैं, देखिएगा थ्री गुना एक्स के ऊपर दो तो कितना निकल गया, छः, दो रखे तो कितना निकला बाबू, छः निकल गया। चलिए दो का रिलेशन छः के साथ बन गया, तीन का करेंगे तो तीन दिया नौ डायरेक्ट बन जाएगा, चार दिया बारह, पाँच दिया पंद्रह, तो पाँच पंद्रह तो इसमें है नहीं, तो पाँच बेचारा इसे खाली रह जाएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए इसमें प्रांत बताना है हमको, तो क्या बोले, ए वाला जितना भी है पहला वाला है उसको प्रांत कहेंगे, एकदम से दिमाग में हटा लीजिए, ए फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे, प्रांत, और दूसरे वाले को परिसर, क्लियर हो गया। पहले वाले को प्रांत, देखिएगा प्रांत में क्या क्या हो गया, एक दो तीन चार, और परिसर में देखिएगा तो बी में जो जो वाई में जो जो कनेक्ट हुआ है, तो क्या क्या कनेक्ट हुआ है, तीन छः नौ बारह, क्लियर हो गया, तीन छः नौ बारह, दिमाग में हटाया नहीं था, ये हो गया ए वाला प्रांत हो गया, बी वाला क्या हो गया, परिसर हो गया, और यदि सह प्रांत पूछेगा तो सब को लिख दीजिए, समोसा जितने सब सह प्रांत बोलेगा ना, तो सब को लिख दीजिए वाई प्रांत जितना है, एक दो तीन चार कहाँ तक हो गया, चौदह तक, दिमाग बेटा। ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, और सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बहुत ईजी है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर इज इक्वल टू, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समझ पर x रिलेशन जो है रियल नंबर एक्स वाई y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है, आपके पास ये संबंध दिया हुआ है x और y का क्या है, संबंध दिया हुआ है, ठीक है ना। उस पर कह रहा है कि संख्या चार से कम एक प्राकृत संख्या है, चार से कम क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है, बताइए चार से कम बोल रहा है, ठीक है ना, x जो है चार से कम बोल रहा है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एक से गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन चार से कम बोल रहा है, इसका मतलब एक दो तीन, चलिए x का मान आपके पास दे दिया है एक दो तीन, y का मान निकालिएगा, सबसे पहले x रहता है फिर y, y का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ है, x प्लस फाइव, x का वैल्यू एक रखिए, y का वैल्यू देखिएगा क्या निकल गया, छः निकल गया, x का वैल्यू दो रखिए यहाँ पे, तो क्या y का वैल्यू क्या निकल गया बाबू, सात, x का वैल्यू तीन रखिए तो y का वैल्यू क्या निकल गया, तीन प्लस पाँच तीन आठ, क्लियर हो गया। यानी आगे वाला क्या बोले, प्रांत, आगे वाला बाबू प्रांत, प्रांत का मान क्या हो गया एक दो तीन, परिसर क्या हो गया यदि बोलिए तो पीछे वाला क्या हो गया छः सात आठ, और सह प्रांत बोलेगा तो एक दो तीन, क्लियर हो गया, समझ में आया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन सब है, बहुत ही बन जाएगा।